गुंडे माफियाओं के खिलाफ आज सुबह छतरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस कार्रवाई में गुंडों के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। छतरपुर एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत छुई खदान पर अपराधी दीपू जाटव के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 3 दिन पहले दीपू जाटव को वारंट तामिल करने गई पुलिस पर दीपू जाटव समेत उनके परिजनों ने किया था पत्थरों से पुलिस पर हमला कर 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था, जिसमें 1 हवलदार को गंभीर चोटें आई थी जबकि 2 अन्य हवलदार घायल हो गए थे। इस घटना में 1 हवलदार की हालत नाजुक होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था। आज सुबह पुलिस, राजस्व और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दीपू जाटव, जिसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में 307 हत्या के प्रयास से लेकर विभिन्न धाराओं में कई अपराध पंजीबद्ध हैं और उसके द्वारा लगातार अपराध किए जा रहे हैं, जिसको लेकर की आज प्रशासन ने दीपू यादव का मकान, जो कि शासकीय जमीन पर अवैध प्रकार से बना था, उसे आज प्रशासन के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन का अमला गौशाला की एक जमीन पर अवैध मकान गिराने पहुंच गया। छतरपुर के वार्ड नंबर 17 के बच्चा जेल के पास अवैध अतिक्रमण हटाने प्रशासनिक अमला पहुंचा। इस जगह पर लगभग 10,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्जा बताया गया। पता चला है कि कमल जैन नामक व्यक्ति ने कर रखा था कब्जा। यहां पहुंचकर प्रशासन ने सबसे पहले किराएदारों को सुरक्षित बाहर निकाला, इसके बाद यह कार्रवाई की गई। छतरपुर शहर में आज प्रशासन की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यह कार्रवाई भी थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत की गई थी। आइए आपको दिखाते हैं छतरपुर में आज सुबह से हुई इस बड़ी कार्रवाई के कुछ वीडियो। इन दोनों बड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासन की टीम पन्ना रोड स्थित पंचवटी ढाबे पर पहुंची और यहां पर भी अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दीवार को गिराया जाना था, लेकिन प्रशासन ने सबसे पहले बाहर बने प्लेटफॉर्म को तोड़ा और इसके बाद सीलिंग लगी होने के कारण ढाबे के संचालक को 2 घंटे का वक्त दिया गया। इसके अलावा भी पन्ना रोड पर ही स्थित साहू के ढाबे व एक अन्य ढाबे को भी प्रशासन ने 2 घंटे का अल्टीमेटम देकर चेतावनी दी और ढाबा संचालक ने अपने अपने अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिए। कुल मिलाकर प्रशासन और पुलिस की छतरपुर शहर में गुंडा माफियाओं और शासन की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए गए लोगों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई से गुंडे माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है और आमजनों में पुलिस व प्रशासन की एक अच्छी छवि निर्मित हो रही है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल जनपद दर्शन सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। ताजी व नियमित खबरें पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं और आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं इस पर अपनी राय जरूर दें। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए छतरपुर से चैनल हेड शिप्रा पहाड़िया की रिपोर्ट।